दोस्तों आज कंप्यूटर्स हो, स्मार्टफोन हो या फिर टैबलेट्स हो या फिर कोई भी डिवाइस हो, उन सभी में डेटा ट्रांसफर के लिए कुछ पोर्ट्स का यूज किया जाता है। और अभी के लिए जो हमारे डिवाइसेस में पोर्ट्स यूज हो रहे हैं वो है यूएसबी पोर्ट्स, मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट्स। और इनके भी कई टाइप्स है, चाहे वो माइक्रो यूएसबी हो, मिनी यूएसबी हो, फिर चाहे यूएसबी 2.0 हो या फिर यूएसबी 3.0 हो, और जो अभी लेटेस्ट वर्जन है वो है यूएसबी टाइप सी। और यूएसबी टाइप सी को पोर्ट्स के मामले में एक नए रिवॉल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है। तो यूएसबी टाइप सी क्या है, ये पिछले पुराने सारे वर्जन से अलग कैसे है और इसमें आपको क्या क्या नए फायदे मिलते हैं, आज इस वीडियो में हम इन्हीं पे बात करेंगे। तो अगर आपको यूएसबी टाइप सी के बारे में जानना हो तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं लाता हूं आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही डिटेल में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहल, आप देख रहे हैं टेक्निकल जंक्शन। तो चलिए जानते हैं यूएसबी टाइप सी के बारे में। दोस्तों आप सभी ने कई सारे पोर्ट्स के बारे में सुना होगा, फिर चाहे वो HDMI 2.0 हो, डिस्प्ले पोर्ट हो, थंडरबोल्ट हो या फिर लाइटनिंग हो, और ये सारे अलग अलग ब्रांड्स के द्वारा बनाए जाते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। और इसी कारण से ये अलग अलग पोर्ट डिफरेंट टाइप्स के काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाइटनिंग की बात करो तो लाइटनिंग को डिजाइन किया एप्पल ने, और ये डिजाइन किए गए एप्पल के जो लो पावर कंजप्शन डिवाइसेस हैं, फिर चाहे वो आईफोन हो या फिर आईपैड हो, उनको चार्ज करने के लिए। वहीं पर अगर बात थंडरबोल्ट की करें तो थंडरबोल्ट को डिजाइन किया इंटेल ने, और ये डिजाइन किए गए अलग अलग पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। अब अगर बात यूएसबी की करें तो यूएसबी में जो आपको कीवर्ड मिलता है वो है यू, और यू का मतलब है यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल से वैसे चीजों का मतलब है जो कि वाइडली एक्सेप्टेबल हो, मतलब वैसी चीजें जो कि कोई भी कहीं भी और कभी भी यूज कर सके किसी भी डिवाइस में। दोस्तों आप लैपटॉप्स में थोड़े दिन पहले तक यूएसबी 2.0 यूज कर रहे थे, अभी आप यूज कर रहे हो यूएसबी 3.0 जो कि ब्लू वाले पोर्ट्स होते हैं। मतलब आप कभी भी लैपटॉप में देखना, आपको जो ब्लू पोर्ट्स मिलेंगे यूएसबी के वो होते हैं यूएसबी 3.0 पोर्ट, और ये बहुत ही हाई स्पीड पोर्ट्स होते हैं। और इन्हीं का अपडेटेड वर्जन यूएसबी 3.1 अब आपको मिलता है यूएसबी टाइप सी के नाम से, क्योंकि यूएसबी 3.1 के केस में एक छोटा सा टाइप सी कनेक्टर लगा होता है और इसीलिए इनको यूएसबी टाइप सी बोलते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम यूएसबी टाइप सी को फ्यूचर रिवॉल्यूशन बोल रहे हैं तो इसमें क्या क्या फायदे हैं आपको जो कि पिछले सारे यूएसबी वर्जन में नहीं मिलते थे। तो अगर पहले फायदे की बात करूं तो यूएसबी टाइप सी के केस में जो पोर्ट्स यूज होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और साथ ही साथ बहुत ही पतले होते हैं, और इसी कारण से ये पतले डिवाइसेस में फिट किए जा सकते हैं। पतले डिवाइसेस से मेरा मतलब है स्लिम डिवाइसेस में, और आज मार्केट में स्लिम डिवाइसेस, फिर चाहे वो स्लिम कंप्यूटर्स हो या फिर स्लिम स्मार्टफोन्स हो, उनकी डिमांड हर दिन बढ़ रही है। और इसी कारण से आपको आने वाले दिनों में बहुत सारे स्लिम डिवाइसेस देखने को मिलेंगे, और उनमें यूएसबी टाइप सी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब अगर दूसरे फायदे की बात करें तो यूएसबी टाइप सी सुपर वर्सेटाइल है, ये अपने साथ 100 वाट तक का पावर कैरी कर सकता है, और इसी कारण से ये आपके स्मार्टफोन टैबलेट्स के साथ साथ फुल साइज इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि कंप्यूटर्स हैं उनको भी चार्ज कर सकता है। अब अगर बात करें डेटा स्पीड की, मतलब कि इन पोर्ट्स के केस में आपको जो डेटा ट्रांसफर रेट मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो इन पोर्ट्स के केस में आपको 10 GB पर सेकेंड तक का डेटा ट्रांसफर रेट मिलता है, जो कि डेटा ट्रांसफर के केस में एक सुपर हाई स्पीड है। और 100 वाट का पावर और 10 GB पर सेकेंड तक का डेटा ट्रांसफर रेट ये बताता है कि यूएसबी टाइप सी पावरफुल तो है ही, साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा स्पीड भी है इसमें, मतलब कि ये हाई स्पीड टेक्नोलॉजी है। दोस्तों अब अगर बात करें तीसरे फायदे की तो यूएसबी टाइप सी बैकवर्ड कंपैटिबल है, मतलब एक छोटे से कनेक्टर से आप आसानी से यूएसबी टाइप सी को यूएसबी 2.0 और यूएसबी 3.0 से कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यूएसबी टाइप सी में जो पोर्ट्स यूज हुए हैं वो रिवर्सेबल है। आपने ध्यान दिया होगा कि अभी आपको अगर यूएसबी में कुछ भी कनेक्ट करना होता है तो उसकी एक सीधी साइड होती है और एक ऑपोजिट साइड होता है, और अगर उसको आप कनेक्ट करते हो तो आपको सीधे साइड से उसको हमेशा कनेक्ट करना होता है, ऑपोजिट साइड से वो कनेक्ट नहीं होता। ये वाला केस यूएसबी टाइप सी में नहीं है, क्योंकि ये रिवर्सेबल पोर्ट है, मतलब आप कैसे भी लगाओ वो सीधा ही साइड होगा, इसमें ऑपोजिट साइड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दोस्तों बात ये करते हैं कि अगर इसमें इतने फायदे हैं तो क्या यूएसबी आने वाले दिनों में स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स का फ्यूचर होने वाला है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। दोस्तों आपको हर जगह आने वाले दिनों में यूएसबी टाइप सी ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों आगे जो भी मशीन्स बनेंगे वो ज्यादा पावरफुल बनाए जाएंगे और उनमें हाई डेटा ट्रांसफर की कैपेसिटी होगी, और इस हाई पावर और हाई डेटा ट्रांसफर को कैरी करने के लिए, मतलब इनको संभालने के लिए यूएसबी टाइप सी का ही यूज किया जाएगा। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जितने भी स्मार्टफोन हैं, चाहे टैबलेट हो, लैपटॉप्स हो, पीसीज हो, फैबलेट्स हो या फिर जो भी डिवाइसेस आने वाले दिनों में आएंगे, उसमें यूएसबी टाइप सी का ही यूज किया जाएगा। यूएसबी टाइप सी के फ्यूचर के बारे में समझने के लिए आप गूगल के इस छोटे से वीडियो को देखें ध्यान से। We at Google are very committed to the USB Type-C spec. Expect to see this in a lot of Chromebooks and Android phones in the near future.
दोस्तों गूगल ने इस वीडियो में ये बताया है कि यूएसबी टाइप सी आने वाले दिनों में हर स्मार्टफोन और हर कंप्यूटर में आपको देखने को मिलेगा। और हमारा विजन भी यही है, हम हमेशा से ये ड्रीम करते आए कि हमारे पास कोई एक ऐसा पोर्ट हो और कोई एक ऐसा चार्जर हो जो हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को चार्ज कर सके, मतलब कि लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, इन सब के लिए अलग अलग चार्जर और उनके अलग अलग चार्जिंग पोर्ट्स ना हो, सभी एक टाइप के चार्जर हो और एक पोर्ट हो जिससे कि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज हो सके। और ये पॉसिबल हो सकता है यूएसबी टाइप सी के केस में। तो दोस्तों रेडी रहिए अपने हर स्मार्टफोन हर डिवाइस में यूएसबी टाइप सी के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है मेरे इस वीडियो से आपको यूएसबी टाइप सी के बारे में समझने में मदद मिली होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें वीडियो, या फिर मेरे चैनल रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो या फिर सवाल हो टेक्नोलॉजी रिलेटेड, मेरे रिलेटेड, मेरे चैनल रिलेटेड, तो आप प्लीज नीचे कमेंट करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए रोजाना लेके आता रहता हूँ।